हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जेसीबी पर। तो मैं आज आप सभी के समक्ष एक न्यू जेसीबी 3DX जो मार्केट में, आप सभी को पता है कि जब से ये BS3 मॉडल की जेसीबी बंद हुई है और उस BS3 मॉडल के बाद आप सभी को पता है कि जुलाई 2022 के बाद से BS4 मॉडल की सारी जेसीबी आने लगी है, लेकिन उसमें एक जो जेसीबी है 3DX, न्यू 3DX जो इको एक्सपर्ट करके आती है 49 HP की, उसके बारे में हम आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू जानेंगे कि क्या कस्टमर के लिए या हमारे लिए यदि जेसीबी खरीदते हैं तो उसमें ये न्यू 3DX वाली जेसीबी किस प्रकार से कमाने योग्य है या फिर फायदे हैं या नहीं है, इसी के बारे में हमारा आज का वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि यदि आप जेसीबी 3DX न्यू 3DX जेसीबी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में आप सभी को जानकारी रहना बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बात करें तो ये इसमें खर्च कितने आएगी आपकी, तो इसमें पहला पॉइंट आएगा आपका खर्च, वह 30 से 32 लाख अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करता है, लेकिन 30 से 32 लाख इसमें आपका पूरा खर्च आएगा ऑन रोड प्राइस यदि आप जेसीबी खरीदना चाहते हैं 3DX। तो और दूसरा, ये जो जेसीबी है ये 49 HP की जेसीबी है। कोई भी आपको कह दे कि ये 76 HP की है, 74 HP की है, गलत बात है। आपको सही जानकारी रहना चाहिए। जेसीबी जो ये 3DX जेसीबी न्यू आई है ये 49 HP की जेसीबी है। और तीसरा है, इसमें एक इम्पोर्टेंट खास बात है कि ये लो कॉस्ट मेंटेनेंस वाली जेसीबी है। यानी कि यदि इसमें बात करें तो आप सभी को पता होगा कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है जेसीबी की बात है वो सर्विस की, कि इसका टाइम टू टाइम, पहले 100 घंटे पर, दूसरा 500 घंटे पर, तीसरा 1000 घंटे पर और चौथा 2000 घंटे पर, इस प्रकार इसका शेड्यूल होता है सर्विस का। तो उसमें सर्विस कराना थोड़ा महंगा पड़ता है जेसीबी में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई है वह क्या है कि इसमें एक खर्च आपको जो 2000 घंटे पर सर्विस होती थी हाइड्रोलिक सर्विस, वह सीधा 4000 घंटे पर कर दिया गया है। तो इसमें आपका बचत होगा। और 49 HP की जेसीबी है तो ये मैनेज ज़्यादा देती है। और काम करने की बात करें तो काम लगभग सेम ही रहता है। और इसका बॉकेट का जो साइज है वह 3DX प्लस और 3DX एक्स्ट्रा से थोड़ा कम है, यानी कि 3DX एक्स्ट्रा का 0.30 क्यूबिक मीटर है और इसका है 0.26 क्यूबिक मीटर। मैं आपको विध विरूप सारी चीज़ें बताऊंगा, मेरे पास कोई भी ऐसी फेक जानकारी नहीं होती है जो मैं आपको कुछ से कुछ बता दूँ। यदि आपको किसी भी चीज़ों को समझने में दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा और सारी चीज़ें और भी अच्छी तरीके से आप सभी को बताऊंगा। तो तीन चीज़ें आप सभी इम्पोर्टेंट पता हो गया आपको कि ये 32 लाख के आसपास आएगी, दूसरा इसमें मेंटेनेंस में कम खर्च आएंगी पहले की तुलना में, और ये 49 HP की जेसीबी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप जेसीबी खरीदें। और जब भी आपको जेसीबी से रिलेटेड कोई या फिर बैकहो लोडर या फिर हैवी लाइन की जो भी जेसीबी मशीनें चाहिए, यदि आपको कंसल्टेंट करनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में नंबर दे दूंगा, वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और भी चीज़ें। तो मेन आज के वीडियो में यही डिस्कस था कि जेसीबी 49 HP की है और ये लो कॉस्ट मेंटेनेंस जेसीबी है और ये इको एक्सपर्ट इंजन के साथ आई है। इसमें जो हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है वह एक्सल पिस्टन टाइप लगा हुआ है पंप, जो कि काम करने में पहले की तुलना में, जो पहले वाले जेसीबी थी उसमें ट्रांसमिशन में पंप लगा हुआ था और उससे ज़्यादा ये फास्ट चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखते हुए आप सभी मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ों को समझें और जेसीबी खरीदें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और जेसीबी से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर करें।